we have already discussed in brief the bohr effect but in this module we will detail in detail we will discuss what is the bohr effect and what are the effects caused by this particular effect which is known as bohr effect hemoglobin transport about 40 परसेंट ऑफ द टोटल हाइड्रोजन आयन विच आर प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी में मेटाबॉलिज्म में जो भी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका अराउंड 40 परसेंट जो है वो हीमोग्लोबिन जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है एंड 15 टू 20 परसेंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म इन द टिश्यूज टू द लंग्स एंड द किडनीज इसी तरह 15 टू 20% परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको भी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हो रही है थ्रू दी हीमोग्लोबिन जबकि हमने बाकी डिफाइन किया था कि जो है ना ये किस तरह होती है कार्बन डाइऑक्साइड कुछ डिजॉल्व फॉर्म में होती है कुछ कार्बोमेट फॉर्म में होती है कुछ बाइकार्ब के फॉर्म में हो रही है तो वी विल डिस्कस के बोहर इफेक्ट एग्जैक्टली exactly क्या है और इनकी रेशियो और इसके साथ जो इसका अफेक्ट होता है हीमोग्लोबिन पे वो एग्जैक्टली exactly वो वो क्या है और उसको हम बोहर ने किस तरह उसको डिफाइन किया था इन 1904. जीरो फोर द रिमाइंडर ऑफ द हाइड्रोजन आइन ऐब्जॉर्ब बाय द बाइक प्लाज्मा बाइकार्बोनेट बफर जो बाकी बच जाती है इसके अलावा हाइड्रोजन वो प्लाज्मा बाईकार बफर जो हैं वो उसको पकड़ लेते हैं और उसको वो ट्रांसपोर्ट करते हैं इसी तरह द रिमेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज डिजॉल्व इन दी बाइकार्ब एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म इन टू बॉडी फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स टू द अदर पार्ट दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द बोहर अफेक्ट वी कैन सी हियर के यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है टिश्यू से वो अल्टीमेटली यहाँ से क्रॉस करके आर के अंदर चली गई ये आर है हैं ये आर के अंदर इसने कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिली और अल्टीमेटली इसने कार्बोनिक एसिड बना दिया ये कार्बानिक एसिड जो है एसिड है इसने डिज़ोल्व हो गया स्पॉन्टेनियसली इनटू बाइकार्ब एंड हाइड्रोजन आइंस, बाईकार्ब बाहर निकल आएगा और क्लोराइड अंदर चल जाएगा ये हमने पिछले मॉड्यूल में भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था ये हाइड्रोजन जो है ये जो है ये हाइड्रोजन ले लेगा हीमोग्लोबिन और उसको अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट करेगा जब ये हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन लेगा तो डेफिनेटली इसने किसी ना किसी चीज़ को उससे डिसोसिएट करना है तो ऑक्सीजन इसे डिसोसिएट हो जाएगी और हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा

इन्वर्सली रिलेटेड है विद दी बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन जितनी सी ओ टू ज्यादा उसके साथ अटैच होगी उतनी ऑक्सीजन कम अटैच होगी इसी तरह जितनी हाइड्रोजन ज्यादा अटैच होगी हीमोग्लोबिन के साथ उतनी ही जो है ना अफिनिटी उसकी कार्ब जो है ना वो ऑक्सीजन की कम हो जाएगी सो दीज आर दी इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द हाइड्रोजन आइन एंड द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ऑक्सीजन एट द रेलिटिवली लो पी एंड हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन ऑफ पेरीफ्रल टिश्यूज इफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन डिक्रीजेज एज हाइड्रोजन आइन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर बाउंड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज टू द टिश्यूज टिश्यूज़ में एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि टिश्यूज़ में हम देखते हैं मेटाबोलिज्म हो रहा है जो है ग्लूकोज वो मेटाबोलाइज होता है इन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड प्रोड्यूस ए टी पी तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है इस कार्बन डाइऑक्साइड ने अल्टीमेटली अटैच होना है इन दी पेरीफ्रल टिश्यूज विद दी हीमोग्लोबिन इसी तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा होगी तो हमने पीछे देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो है ना कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस हो गया तो कार्बोनिक एसिड ने उसकी पी को रिड्यूस कर दिया तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जो है ना वो बाइंडिंग रिक्वायर्ड नहीं है टिश्यूज़ में टिश्यूज़ में हाइड्रोजन आइन्स की बाइंडिंग रिक्वायर्ड है आयरन कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग रिक्वायर्ड है ये दोनों बाउंड बाउंड होंगे तो ऑक्सीजन यहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है टिश्यूज़ में इस क्योंकि मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीजन यूज़ हो रही है तो ये मेटाबॉलिज्म में जो ऑक्सीजन यूज़ हो रही है वो हीमोग्लोबिन लेके आया फ्रॉम द लंग्स तो अल्टीमेटली ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसीलिए है यहाँ पे कि ये अपना ऑक्सीजन यहाँ पे हीमोग्लोबिन देगा और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से अटैच कर लेगा टू ट्रांसपोर्ट टू लंग्स एंड टू द किडनीज। देयर फॉर बोहर इफेक्ट इज डिफाइंड एज इट इज कन्वर्सली इन कैपिलरीज ऑफ लंग्स एज सी टू इज हेल्ड एक्स हेल्ड जो कुछ हमने डिफाइन किया है पिछली स्लाइड में कि वो हो रहा था पेरीफ्रल टिश्यूज में वहां जो है ना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है हाइड्रोजन आइन ज्यादा है वहां पर बाइंडिंग उन दोनों की ज्यादा है लेकिन वो इन्वर्सिलेटेड है ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन वहाँ बाइंडिंग कम है लेकिन जिस वक्त यही जो है ना हीमोगलोबिन इट गोज इन टू दंग्स उसकी कपेरिज में जाएगा तो वहां इसने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना है और ऑक्सीजन की इफिनिटी वहां बढ़ जाएगी एंड द ब्लड पी एच कॉन्सिक्वेंटली राइजेज द इफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन फॉर

उसमें जो है ना पेरिफल टिश्यू में कार्बोनिक एसिड बना था जबकि लंग्स में कार्बोनिक एसिड नहीं है वहाँ ये जो है ना पीएच इसकी इंक्रीज़ होगी जब पीएच इंक्रीज होगी तो वो ऑक्सीजन की इफ़िनिटी को इंक्रीज़ करेगी जबकि डिक्रीज पी जो है ऑक्सीजन की इफिनिटी जो है वो उसे डिक्रीज हो जाती है सो कॉन्सिक्वेंटली राइजेज द इफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन इंक्रीज एंड द प्रोटीन बाउंडेड मोर एंड मोर तो लंग्स में क्या होगा कि इफिनिटी बढ़ेगी इसकी वजह से मोर एंड मोर ऑक्सीजन जो है वो हिमोग्लोबिन सर बाउंड होगी टू ट्रांसपोर्ट टू द टिश्यू वेयर इट इज रिक्वायर्ड द इफेक्ट ऑफ पी एच एंड सी ओ टू कंसनट्रेशन ऑन द बाइंडिंग एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन बाई द हिमोग्लोबिन इज कार्ड द बोहर अफेक्ट ये हमने इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया कि ये बाइनिंग है जो इसकी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की ये अफेक्ट हो रही है पीएच के साथ भी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी जहाँ पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है वहाँ ऑक्सीजन की इफिनिटी कम है जहाँ पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड कम है वहाँ ऑक्सीजन की इफ़िनिटी ज़्यादा है सो इट इज़ कॉल्ड द बोहर इफेक्ट एंड आफ्टर द क्रिश्चियन बोहर Which, which was a Danish physiologist who di discovered this effect in 1904. So this is the brief description of the Bohr effect. Now, in the next module, we will discuss the briefly how this Bohr effect effect on, on the oxygen dissociation curve.